नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है राम मंदिर को लेकर, उसमें अब अड़ंगा लगाने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से एक चिट्ठी लिखकर की गई है जस्टिस खलीफुल्ला को। ये वही खलीफुल्ला है जो पहले एक मध्यस्थता आयोग गठित किया गया था, जिसमें जस्टिस खलीफुल्ला उसके अध्यक्ष थे, श्री श्री रविशंकर और श्री राम पंचू नाम के एक वरिष्ठ वकील इसमें रखे गए थे। हमने तभी कहा था कि ये पूरा का पूरा मामला केवल और केवल राम मंदिर के मामले को लटकाने के लिए किया जा रहा है, और ऐसा हुआ भी। 155 दिन बाद उस पूरे मध्यस्थता आयोग ने कह दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय करे। और उसके बाद जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में एक बेंच का गठन हुआ, जिसमें उनके अलावा चार और लोग थे, डीवाई चंद्रचूड़, एस ए बोबड़े और जस्टिस एम नज़ीर। तो ये टोटल पांच लोगों के साथ ये पूरी बेंच गठित हुई थी, और इन लोगों ने इस पर सुनवाई शुरू की, जिसका अब 24वां दिन भी बीत चुका है। और इस सुनवाई के दौरान जो तर्क रखे गए थे हिंदू पक्ष की तरफ से, श्री रामलला विराजमान की तरफ से, राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से, उनके बाद में मुस्लिम पक्ष की तरफ से राजीव धवन नाम का वरिष्ठ वकील तर्कों को दे रहा था। इसी मामले में एक और नया मोड़ तब आया जब के एन गोविंदाचार्य ने एक याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो पूरा मामला है, जैसा कि पहले कहा गया था, इसकी सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, लाइव सुनवाई होगी, तो उसकी व्यवस्था की जाए। ये पहले जस्टिस नरीमन ने सुना, और आज उस पर रंजन गोगोई ने फैसला लिया है, मुख्य जज ने, कि रजिस्ट्री को नोटिस जारी किया है कि क्या इस तरीके की लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है और इसमें कितना समय लग सकता है, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। निश्चित तौर पर ये जो सुनवाई चल रही है उसमें मुस्लिम पक्ष पूरी तरीके से ये मानकर चल रहा है कि ये पूरा का पूरा मामला हिंदू पक्ष की तरफ से, यानी कि राम जन्म मंदिर भूमि का जो मंदिर बनना है उसके पक्ष में जाएगा। इसीलिए बार बार वो तमाम कोशिशें करते रहते हैं इस पूरे मामले को लटकाने की, और यही वजह रही कि एक बार फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से ये लेटर लिखने का ड्रामा किया गया। हालांकि इसमें निर्माणी अखाड़ा की तरफ से भी उन्होंने कहा कि वो भी चाहते हैं, और इस बार इसमें बड़े बड़े हिंदू और मुस्लिम नेताओं को रखा जाए और वो फैसला करें कि आगे इसमें किस तरीके से मध्यस्थता की जाए, किस तरीके से भूमिका निभाई जाए। लेकिन हालांकि इस पूरे मामले में अब नहीं लगता कि कोई आगे ऐसी स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि अगर मध्यस्थता जैसी बातें दोबारा से सुनी जाएंगी तो निश्चित तौर पर इस मामले को टालने की कोशिश की जाएगी, जो कि टालना ठीक नहीं है, क्योंकि 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था का ये प्रश्न है। और इस पर अब तक जो सुनवाई हो चुकी है, जो तथ्य पेश किए जा चुके हैं, उसके आधार पर निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि फैसला नवंबर में जल्द ही आ जाएगा। लेकिन मुस्लिम पक्षकारों का जो मुख्य वकील है राजीव धवन, उसकी पूरी की पूरी कोशिश ये है कि इस पूरे मामले को लटकाया जाए। यही वजह थी कि जब सुप्रीम कोर्ट की पूरी बेंच ने यह फैसला लिया कि सुनवाई पूरे 5 दिन होगी, जबकि पहले यह नियम था जिस सुनवाई को रोज़ सुनवाई बोला जाता है वो 3 दिन होती थी, लेकिन यह सुनवाई पूरे 5 दिन होती है। और इस पर राजीव धवन ने यह तर्क देकर इसको लटकाने की कोशिश की थी कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ और मैं 5 दिन तर्क नहीं दे सकता, जिसको लेकर जस्टिस रंजन गोगोई ने स्पष्ट कर दिया था कि आप अगर तर्क नहीं दे सकते तो आप 4 दिन तर्क दें, एक और दिन जो दूसरे वकील हैं वो तर्क देंगे, लेकिन सुनवाई तो पूरे 5 दिन ही होगी। निश्चित तौर पर इस पूरी बेंच में जो 5 जज बैठे हुए हैं, जिनमें अशोक भूषण, डीवाई चंद्रचूड़ और ए नज़ीर और एस ए बोबड़े और खुद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, वो भी अब भारत के लोगों की भावनाओं को समझ रहे हैं कि निश्चित तौर पर इस मामले को अगर लटकाया गया तो फिर वो पूरे देश में, समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके की दलीलें राजीव धवन के द्वारा दी जा रही हैं, कभी वो कहता है कि क्या रामलला विराजमान खुद इस पर मालिकाना हक जता सकते हैं, और क्या वो खुद कह सकते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, इस तरीके के तर्क देकर राजीव धवन इसलिए भी बच जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति उससे सवाल पूछता है तो वो कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे सुरक्षा दी जाए। और वहीं दूसरी तरफ अगर इस तरीके के सवाल दूसरे किसी देश में होते तो शायद इस निंदा के केस में ऐसे व्यक्ति को फांसी भी हो गई होती। लेकिन अब चूंकि मामला अब ये अपने
फैसले की तरफ जा रहा है। इसी को लेकर शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है और उन्होंने आह्वान किया अपने शिवसैनिकों का कि अब जिस तरीके से रोजाना के बेसिस पे इस मामले में सुनवाई हो रही है उसके बाद ऐसा लगता है कि फैसला जल्दी आने वाला है। और पहले जो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे उन्होंने जिम्मेदारी ली थी उस ढांचे को तोड़ने की, और अब फिर से हमारे शिवसैनिकों को तैयार रहना चाहिए कि वहाँ मंदिर निर्माण में पहली ईंट रखने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। ये बड़ा बयान है क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव भी आने वाले हैं और जिस तरीके से अभी सुनवाई चल रही है उसके बाद उद्धव ठाकरे ने ये जो एक उम्मीद भरा बयान दिया है इसके कई मायने निकलते हैं। और ऐसा ही बयान डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जैसा पहले कह चुके हैं उसी तरीके से अयोध्या में जो तैयारियां चल रही है वहाँ पर बड़े स्तर पर जो पत्थर रखे हुए हैं कारसेवकपुरम में उनको तराशने का काम चल रहा है, क्योंकि अब सभी को उम्मीद ये लगी हुई है कि नवंबर में 17 नवंबर से पहले, चूंकि रंजन गोगोई रिटायर होने वाले हैं 17 नवंबर को, उससे पहले कोई फैसला इस पूरे मामले में आएगा और जो फैसला आएगा वो निश्चित तौर पर राम जन्म स्थान के मंदिर के पक्ष में ही होगा, ऐसा सभी लोगों का विश्वास है। और जिस तरीके से इसके पीछे तर्क भी है कि ये पूरा का पूरा मामला आस्था का है और आस्था मौलिक अधिकार होता है, इसलिए किसी भी तरीके से कोई कोर्ट इसके प्रतिकूल फैसला नहीं ले सकता। हालांकि मुस्लिम पक्षकारों के जो वकील हैं या फिर कपिल सिब्बल जैसे लोग हैं या कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं वो इस पूरे मामले को लटकाए रखना चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि वहां पर राम मंदिर बने और भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को अपने आराध्य का पूजन करने का सौभाग्य वहां पर प्राप्त हो सके। यही वजह है कि मामला इतने सालों से लटका हुआ है और 2011 में हाईकोर्ट का फैसला आया था उसके बाद अब 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है और ऐसा लगता है कि गंभीरता से पहली बार सुनवाई कर रहा है। और जिस तरीके से सबूत है या आर्कियोलॉजी की जो रिपोर्ट है जो कि के मोहम्मद के डायरेक्शन में वहाँ पर खुदाई हुई थी और उस खुदाई में भी स्पष्ट हो गया था कि राम मंदिर के वहाँ बहुत सारे प्रमाण मिले थे, और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले को लटकाए रखा। दीपक मिश्रा इस मामले को सुनना चाहते थे, फिर वहाँ पर सवाल उठाया गया एक जज को लेकर, और उसके बाद जब जज भी बदल दिए तो फिर दूसरे जो जज थे वो भी बीमारी का बहाना करके भागते रहे, फिर मध्यस्थता पैनल बनाया गया और अब दोबारा से वही चाल चलने की कोशिश की गई है। लेकिन अब नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में मध्यस्थता के बात को तवज्जो दे पाएगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक और निंदनीय होगा। तो इस निंदा और पूरी के पूरी आलोचना से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब ये जिम्मेदारी है कि वो इसका फैसला दे और जल्दी से जल्दी दे, क्योंकि जो तथ्य हैं वो तथ्य स्पष्ट इशारा करते हैं कि वहाँ सदियों से राम मंदिर था, सदियों से लोग वहाँ राम की पूजा किया करते थे, और आज जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष के वकीलों के जो बयान आ रहे हैं उससे वो दिखाते हैं कि अब उनके पास तर्क करने के लिए कोई प्रमाण या कोई आधार नहीं बचा है। क्योंकि राजीव धवन एक तरफ कहते हैं कि यहाँ पर कभी मंदिर नहीं रहा और इसका प्रमाण है, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि अगर पहले मंदिर रहा भी तो फिर जो एक गलती हो गई है उसको दोबारा न जारी रखा जाए। ये कहना ही राजीव धवन का एक तरीके से मंदिर के पक्ष में बयान जाता है, क्योंकि गलती हुई थी जब एक लुटेरे ने वहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद खड़ी कर दी थी, जबकि राजीव धवन ये कहने की कोशिश करता है कि गलती ये हुई थी कि वहाँ जो ढांचा खड़ा हुआ था उसको गिरा दिया गया। लेकिन अगर इतिहास की बात की जाए या प्रमाणों की बात की जाए, संस्कृति की बात की जाए या अधिकारों की बात की जाए तो निश्चित तौर पर अयोध्या श्री राम की नगरी है और अयोध्या में जिस जमीन को लेकर विवाद क्रिएट किया जा रहा है वो उनका जन्म स्थान है, और उस जन्म स्थान पर उनका मंदिर अगर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। और इसको लेकर पहले भी तमाम नेताओं के बयान आए और उन्होंने कहा कि अगर राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या मक्का मदीना में बनेगा। निश्चित तौर पर इसको लेकर जो विवाद किया जा रहा है वो राजनीतिक पार्टियों द्वारा या जो वकीलों का पूरा एक गिरोह है उसके द्वारा या फिर जो कम्युनिस्ट लॉबी है उसके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस मुद्दे को गरमाया रखा जा सके और हिंदुओं को उनका अधिकार प्राप्त करने से वंचित किया जा सके। लेकिन अब इस बार ऐसा लगता है कि ये जो दिवाली आएगी, दिवाली के बाद की खुशियाँ श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के रूप में होंगी। भारत में इस बार 2 दिवाली मनाई जाएंगी, एक दिवाली मनेगी 27 अक्टूबर को और दूसरी दिवाली
जब राम मंदिर को लेकर फैसला आएगा तो अयोध्या में उसी दिवाली की तरह से जगमग होगी, रोशनियां होंगी, वहां पर आतिशबाजी होगी और लोग जश्न के साथ श्री राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।